शहर में दिन भर बादल छाए रहे, पर अंचल में तेज हवाओं के साथ मावटा गिरा। बादलों के कारण ठंड से राहत रही और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। लेकिन जिले में जहां बारिश हुई, वहां शीतलहर और बारिश से फसलों को नुकसान होने की बात सामने आई। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है और मौसम विभाग ने भी चेताया था कि 3-4 दिनों में या तो शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा या फिर मावटा बरसेगा। शनिवार को सुबह से आसमान में बादल बने रहे और सूर्य की लुका छुपी जारी रही, लेकिन शाम ढलते ही कुछ देर के लिए ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। शहरी क्षेत्र में तो कोई विशेष प्रभाव नजर नहीं आया, लेकिन जिले में सिंगोली, रतनगढ़, रामपुरा, कुकड़ेश्वर, मनासा, जीरन, पालसोड़ा, जवासा अंचल में मावटा बरसा। इसके साथ ही चीताखेड़ा, भादवा माता क्षेत्र में कहीं झमाझम तो कहीं बूंदाबांदी हुई। पानी की कमी से चिंतित हो रहे किसानों को इस बारिश के पानी से एक सिंचाई की कमी पूरी हो गई। बारिश से रवि की फसलों को थोड़ी राहत मिल गई है।